अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। आज संडे था और संडे वाले दिन रेस्ट होती है और अभी टाइम तकरीबन 1 बज गया है। तो 1 बजे मैं उठा जब तो पता चला कि जी रात से बिजली गई है। तो मैंने जब खबरें वगैरह सुनी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो पता चला कि ये जो पावर कट हुआ है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोड शेडिंग है, कहीं पर भी बिजली नहीं आ रही और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लंबा दौरानिया है लोड शेडिंग का, पावर कट का। इससे पहले हमने देखा है कि जब भी पावर कट होते रहे तो 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटों तक का पावर कट होता था, लेकिन अभी सुनने में आया कि जी ये 24 घंटे बाद आहिस्ता आहिस्ता सारा जो सिस्टम इसको रिस्टोर किया जाएगा और फिर एक एक करके पाकिस्तान के शहरों में जो है ना बिजली की सप्लाई शुरू होगी। तो अभी मेरे पास सोलर पैनल लगे हैं और धूप भी आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी निकली है, तो हमें तो सुबह से कोई मसला नहीं बना। हाँ जी, ये ज़रूर है कि सुबह से पूरे यहाँ पर जो एरिया है वहाँ से आ रहे हैं सारे घरों वाले, पानी लेने आ रहे हैं, कोई कपड़े इस्त्री करने आ रहा है। और इस वक्त हमारे घर में तकरीबन को 10-12 मोबाइल पड़े हैं जो कि आसपास के घरों में जो भी हमसाए हैं हमारे तो मोबाइल चार्जिंग के लिए लगे हुए हैं। तो ये फ़ायदा है सोलर का, मेरे पास सिर्फ 6 पैनल लगे हैं 300 वाट के और इसकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी बनाई हुई हैं कि आप अपने घर की छत के ऊपर अपनी बसात के मुताबिक 1 पैनल लगा लें, 2 लगा लें, जितना हो सकता है उतना लगा लें। ये अल्लाह ताला की देख ले कितनी नेमत है कि पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं है लेकिन धूप है, अल्लाह ताला की नेमत है और उससे ये सोलर पैनल बिजली बनाकर हमें दे रहे हैं। अभी इस वक्त दोपहर के 1:30-2 बजे के करीब जो हमारा पानी वाला पंप है वो इस सोलर के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर मीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही। इस वक्त मैं दिखाता हूँ आपको अपने इन्वर्टर के ऊपर क्या वहाँ पर हमें दिख रहा है। ये है जी हमारा सोलर इन्वर्टर इस वक्त, और इस वक्त जो हमें पीवी से करंट आ रहा है वो इस वक्त आ रहा है जी 1.01 किलोवाट, यानी कि तकरीबन 1000 वाट इस वक्त सोलर पैनल से बिजली हमारी बन रही है। और आउटपुट के ऊपर इस वक्त जो लोड की अगर बात करें तो वो भी तकरीबन इतना ही है, आउटपुट के ऊपर भी तकरीबन इतना ही लोड है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वही 1.03 किलोवाट, यानी कि 1000 वाट हमारा आउटपुट के ऊपर लोड चल रहा है और 1000 वाट हमें सोलर पैनल से बिजली अभी इस वक्त मिल रही है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये वही बैटरी हैं जिनकी वीडियो मैंने बनाई थी और अभी 2 साल इनको जैसे ही होंगे इनकी भी मैं आपको बैकअप की वीडियो जो है वो दोबारा फिर से बनाऊँगा कि 2 साल बाद इनकी क्या परफॉर्मेंस है। बाकी देख लें आप कि सोलर पैनल का कितना फ़ायदा है कि पूरे यहाँ पर पाकिस्तान में बिजली नहीं है लेकिन जिन घरों में सोलर पैनल लगे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो सब कुछ अपना इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली से ऊपर चलने वाला।